चतुर कौवा और सांप की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कावी का जोड़ा रहता था। एक दिन एक सर्प वहां आया और उस पेड़ के खोखल में उसने अपना घर बना लिया। कौवे सर्प के उसी पेड़ में रहने के कारण बहुत भयभीत हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ दिनों के पश्चात कावी ने अंडे दिए। कौवा और कावी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में सर्प का भय भी था। अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान करते हुए उन्होंने फैसला लिया कि घर से बाहर एक समय पर केवल एक ही जाएगा। अगले दिन कौवा भोजन लेने चला गया। कौवे को जाते देख सर्प ऊपर आया। उसने कावी को देखा, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अंडों को निगलने के लिए झपटा। कावी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन सर्प ने अंडों को निगल ही लिया और अपने बिल में चला गया। शाम को जब कौवा घर आया तो कावी ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई। कौवा भी अपने बच्चों को खोने के कारण बहुत दुखी हुआ। दोनों समझ गए कि वह सर्प का मुकाबला करने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्त लोमड़ी से सुझाव लेने का सोचा। लोमड़ी ने दोनों की दुख भरी कहानी सुनी। काफी सोचने के बाद उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गए। अगले दिन तरकीब के अनुसार कौवा और कावी नदी किनारे पहुंचे, जहां उनके प्रदेश की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए आई हुई थी। उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक तथा सैनिक भी आए हुए थे। राजकुमारी जब स्नान के लिए नदी में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो काँव काँव कर शोर मचाया और सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारे गए आभूषणों में से मोती का एक कीमती हार अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। सैनिकों ने जब देखा कि कौवा राजकुमारी का हार लेकर उड़ गया है तो वह कौवे के पीछे दौड़े। कौवा उन्हें उसी पेड़ की ओर ले आया जिसमें सर्प रहता था। जब सैनिक कुछ ही दूर पर थे तो उन्हें दिखाते हुए कौवे ने वह हार सर्प के बिल में गिरा दिया और ऊपर पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। सैनिक दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे और सर्प के बिल में लाठी डालकर हार निकालने की कोशिश करने लगे। लाठी लगते ही सर्प बाहर आ गया। सर्प को देखते ही सैनिकों ने लाठियों से उसे मार गिराया और हार निकालकर वहां से ले गए। सर्प के मरने से कौवा और कावी बेहद प्रसन्न हुए और बिना किसी भय के प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मन भला ही कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसे दिमाग की शक्ति से पराजित किया जा सकता है। धन्यवाद। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।